Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची पुलिस की काली भेड़ें बेनकाब होने लगी। चाकू मार को पकड़ने की आड़ में अहलकार अपनी जेब गर्म करने लगे। सुबह में हिरासत में लिए जाने वाले मजदूर ने भांडा फोड़ दिया। थाना अजीज भट्टी की पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। बंद तो करो ना प्लीज, दो मिनट के लिए बंद करें। प्लीज दो मिनट के लिए तो बंद करें, फिर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आज न्यूज ने मामला उठाया तो थाने के अहलकार ने वाकया मानने से ही इनकार कर दिया। कराची में पुलिस अहलकारों की भत्ता वसूली के वाकयात पर आईजी से लेडी ख्वाजा सिर्फ जबानी जमा खर्च में मसरूफ। नोटिस लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध भी सूरत हाल से लाताल्लुक। लाहौर में खुसूसी बच्चों पर तशद्दुद करने वाले दोनों बस कंडक्टर्स के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुतासरा बच्चों के वालिद की मुदय्यत में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया। स्कूल का सरबराह भी मुअत्तल। खुर्शीद शाह कहते हैं कि एहतसाब अदालत में पेश आने वाला वाकया मामूली नहीं। इदारे कमजोर होंगे तो रियासत कमजोर होगी। आवाम की तरह आर्मी चीफ को भी मईशत पर बात करने का हक है। अगर आर्मी चीफ को कोई गलत फहमी है तो हुकूमत दूर करे। अदालतों में हुल्लड़बाजी और तशद्दुद आईन की खिलाफ वर्जी है। फारूक सत्तार की तनकीद, कहा हम पर सिर्फ तकरीर सुनने और तालियां बजाने पर मुकदमात बनाए गए जो जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है नैब की अदालत में, ये एक बुरा वाकया है और मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान की साख भी पूरी दुनिया में मुतासर होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि एहतसाब अदालत में बुखला गर्दी पर अफसोस है। हसन नवाज और हुसैन नवाज दोनों गैर सियासी हैं। अदालत में पेश होने या ना होने का फैसला उनका अपना होगा। इमरान खान की तनकीद बिला जवाज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात की समाअत। अल्ताफ हुसैन, रशीद गोडियल, सलमान मुजाहिद, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खुशबख्श शुजात और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। बाजियाबी के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब गैर मुल्की खानदान की कैनेडा पहुंचने पर गुफ्तगू। कैनेडियन हुकूमत का आज खुशी मनाने का ऐलान। पाकिस्तान और उसके रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ महाजों पर पाकिस्तान के ताबुन का शुक्रगुजार हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर उम्मीद, कहते हैं खित्ते में आम के लिए मईशत को मुस्तहकम करना बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से भारत तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है। कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी। पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों के पुरअमन एहतजाज पर लाठीचार्ज, दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। पोर्ट कासिम पर इंटरनेशनल बर्ग टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। कराची के इलाके शेरशाह में घरेलू झगड़े पर वालिद कत्ल। पुलिस ने एक बेटे समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक, असलाह और मोटरसाइकिल बरामद। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इलाज के बजाय 13 रोज से हड़ताल पर। 2000 से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी। मरीज इलाज मुआलजे से महरूम, जिम्मेदार आखिर कौन?
क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में भी मसीहाओं की रोज 2 घंटे तक हड़ताल जारी, लाचार मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस में नया सत्र, 5वें रोज भी। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस में असातज़ा 5वें रोज भी इनकी रोशनी फैलाने से इंकार, मुतालिबात की मंजूरी तक तदरीस मुअत्तल, तलबा परेशान। न तेल का खर्चा न बिजली की जरूरत, पाकिस्तानी इंजीनियर रहमतुल्ला कुंडी ने पानी से चलने वाला वाटर पंप बना लिया, आबी दबाव से सैकड़ों फुट बुलंदी पर पानी पहुँचा देता है, हुकूमत सरपरस्ती करे तो पहाड़ी इलाकों में किल्लत आब पर काबू पाया जा सकता है। इससे वो जो झटके आते हैं ना पानी में, उससे जो प्रेशर बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसी को हम यूटिलाइज करते हैं, और ये जो सिलेंडर है ऊपर, ये उस प्रेशर को कैप्चर करता है और उसी को फिर यूज़ करके ये पानी को ऊपर पुश करता है। ईरान से जौहरी मुआहिदा किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया, ये भी कहा कि मुआहिदा कांग्रेस को भेजा जाएगा, तब्दीली लाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, कांग्रेस और इत्तेहादी किसी हल तक ना पहुंचे तो मुआहिदा खत्म हो जाएगा। अमरीका बैनुल अक्वामी जौहरी मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता, ईरानी सदर हसन रूहानी का रद्द अमल, कहा जब तक एटमी मुआहिदे से फायदा है हम इसका एहतराम करते रहेंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का कहना है कि एटमी मुआहिदा मुश्तरका कौमी मफाद में है, यूरोपीय यूनियन का कहना है कि कोई एक मुल्क काबिले अमल मुआहिदे को खत्म नहीं कर सकता।